अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 6 है, लेक्चर 5 की कंटिन्यूएशन है और इसमें आज हम पढ़ेंगे पावर सर्किट को कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर का कंट्रोल सर्किट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा और ओवरव्यू देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम थ्री फेज मोटर को रिवर्स करना चाहते हैं तो अगर पहले हमने ए बी सी की तरतीब से सप्लाई कनेक्ट की है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो हम इस तरतीब को उल्टा देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसी रिवर्स करेंगे? मोटर को रिवर्स करने के लिए या तो दूसरा और तीसरा वायर आपस में इंटरचेंज कर लो, यानी कि ए बी सी से ए सी बी बना दो, इस तरह की ये केस। या दूसरा केस ये है कि पहले और दूसरा वायर की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी कि ए बी सी की बजाय बी ए सी कर लो। या तीसरा तरीक़ेकार ये है कि पहला और तीसरा वायर इंटरचेंज कर लो, यानी कि सी बी ए सीक्वेंस बना लो। तो बहरहाल इन तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस आप यूटिलाइज कर सकते हैं मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के लिए। अब ये रिवर्सिंग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। हम लेक्चर आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं डी एल स्टार्टर के हवाले से। तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर लेट सपोज फॉरवर्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक कंडक्टर लेट सपोज रिवर्स ऑपरेशन के लिए है। तो लाजमी बात है कि अगर हम फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो इस मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन करेंगे। तो एक सर्किट हमने कैसे बनाना है जिसके सीरीज में फॉरवर्ड मैग्नेटिक कंडक्टर का कॉयल लगा होगा। ये मैंने मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 1 फॉरवर्ड के लिए उसका कॉयल बना दिया, उसका A1 और A2, E2 को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट। सिमिलरली अब दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर है, जब इसको हम ऑफ कर देंगे तो हम मोटर को रिवर्स करना चाहेंगे, तो रिवर्स के लिए हम मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 2 को ऑन करेंगे। तो मैं मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 2 का कॉयल यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रिवर्स के लिए है, बल्कि ये मैं नीचे लिख लेता हूँ और ये फॉरवर्ड वाला पाथ। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमने अब कंट्रोल सर्किट बनाना है। तो हमने सिंपली 2 ड्यूएल स्टार्टर बनाने हैं, एक इस कंडक्टर के लिए, एक इस कंडक्टर के लिए। तो ड्यूएल हमें पता है कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली चीज़ हमने लगानी है प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर सिंगल फेज, उसके बाद मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की बजाय हम दरमियान में थर्मल ओवरलोड रिले के पॉइंट्स लगाएंगे। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 95 नंबर पेन, 96 नंबर पेन आप ऐसे बना लो, या जिस तरह लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका, ये इसका मतलब होता है कि ये क्लोज्ड है। या आप ऐसे बना ले कि आप 95 नंबर पेन, 96 नंबर पेन को आपस में मिला दो। तो ये मैंने थर्मल ओवरलोड रिले के पॉइंट्स बना दिए। इसी के साथ सीरीज में हमने ऑफ बटन लगाना है। ऑफ क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। इस ऑफ बटन के बाद हमने यहाँ पे इस मैग्नेटिक कंडक्टर को जब हम फॉरवर्ड में चलाना चाहेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड बटन लगाएंगे। तो ये देख ले, यहाँ पे हम फॉरवर्ड में चलाने के लिए यहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट कर लें। तो बिलफर्ज हम ये वाला बटन ऑन करेंगे ना, तो लाजमी बात है कि इसकी सप्लाई होनी चाहिए मुकम्मल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 1 की कॉयल को सप्लाई हम इस पाथ के थ्रू देंगे। तो ये हमारे पास ड्यूएल स्टार्टर हो गया, लेकिन इसमें एक कमी और भी है। फॉरवर्ड बटन के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक बाईपास रास्ता बनाएंगे इसी मैग्नेटिक कंडक्टर का, नॉर्मली ओपन ऑफ कंडक्टर नंबर 1। यहाँ पर भी नॉर्मली ओपन ऑफ कंडक्टर नंबर 1 हम ये करेंगे इसके साथ पैरेलल में एंटर कराएंगे, ताकि अगर हम प्रेस बटन छोड़ दें जब भी वापस जाएगा तो डेफिनेटली इसकी पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उसकी पाथ का मुकम्मल रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये नॉर्मली ओपन ऑफ दिस कंडक्टर नंबर 1 इसका बाईपास पाथ बना देंगे। अब हम इसको ऑन करते हैं, जब इसको ऑफ़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली लाजमी बात है कि इसको ऑफ़ करेंगे तो इधर से ऑफ़ करेंगे ना, ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ऑफ़ के बाद हम रिवर्स में चलाना चाहते हैं,
तो रिवर्स में चलाने के लिए हम यहाँ से फेज़ इधर से डायरेक्ट देने की बजाय, क्योंकि ये चीज़ें हमें दोबारा लगानी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर लेके जाते हैं और वो एक दूसरे पुश बटन, और उस ऑन पुश बटन ही होता है, लेकिन इसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं लेबल लगा लेते हैं रिवर्स का। तो ऑन पुश बटन होता है, रिवर्स पुश बटन या फॉरवर्ड पुश बटन, दोनों ऑन बटन्स हैं। एक कंडक्टर नंबर वन को ऑन करने के लिए, दूसरा कंडक्टर नंबर टू को ऑन करने। अगेन वही बात कि इसके पैरेलल में भी इस तरह का बाईपास रास्ता होना चाहिए। अच्छा, तो ये मैंने इस तरह इंटरकनेक्ट कर दिया रिवर्स कंडक्टर यानी कि मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर टू के साथ, और पैरेलल में इसके हमने इस कंडक्टर नंबर टू का नॉर्मली ओपन, इसको हम कहेंगे NO2 नॉर्मली ओपन ऑफ कंडक्टर नंबर टू, इसके पैरेलल में लगा लें। तो ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट फॉर दिस फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हमने दो ड्यूल स्टार्टर बना दिए, एक ड्यूल स्टार्टर ये है वो मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर वन के लिए हम चलाएंगे, और एक ड्यूल स्टार्टर यहाँ से देखे ये बन रहा है, ये हमने मैग्नेटिक नंबर टू को ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन तरीकाकार ये है इसके ऑपरेशन का कि हम जब फॉरवर्ड में चलाना चाहेंगे तो हम फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड के बाद रिवर्स में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि मोटर इनर्शिया की वजह से रोटेशन में होगा, तो हम पहले ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद हम रिवर्स में चलाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग है कि फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर का कंट्रोल सर्किट कैसे वर्क करता है। अब इसकी एप्लीकेशन इसकी ये है कि जब कभी कभार हम क्या करते हैं कंक्रीट की छत लगाते हैं, आरसीसी छत बनाते हैं, तो आरसीसी छत के लिए हम क्या करते हैं एक लिफ्ट सिस्टम होता है जिसमें हम कंक्रीट नीचे बनाते हैं, वो सीमेंट वगैरह तैयार करते हैं, तो वो ऊपर लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो उसके हमारे पास एक लिफ्ट सिस्टम होता है जो कि मोटर के ज़रिए से चलता है, कभी ऊपर लेके जाते हैं कभी नीचे लेके आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर लगा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब इसका कंप्लीट सर्किट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लिफ्ट सर्किट कैसे काम करते हैं, उसमें हमारे पास सामने चीज़ आ जाएगी, उसको हम कहते हैं लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पे ऊपर जाके फॉरवर्ड में जाके हमने कहाँ पे मोटर को रोकना है, पुली को रोकना है कि ऊपर मजीद ना चढ़े, क्योंकि उसके बाद हमने वापस आना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा लिमिट सर्किट की मदद से। तो वो कैसे होता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल के लिए आप बेसिक फॉरवर्ड रिवर्स का ऑपरेशन, उसका पावर सर्किट और उसका कंट्रोल सर्किट आप समझ ले तो आगे के सर्किट को समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के ये फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के साथ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।